हेलो पीपल आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल 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 अभी जस्ट आप लोगों के लिए बायबैक रेगुलेशन का एक अमेंडेड रिविजन रिकॉर्ड किया है तो वो रिविजन आप लोग देखेंगे उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं उसका ध्यान ठीक है बेटा जी ये रिविजन मैंने जब रिकॉर्ड किया है उस टाइम पे मैंने ओवरऑल जो बायबैक रेगुलेशन है पूरा ही रिवाइज करा दिया है इंक्लूडिंग दी अमेंडमेंट्स ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट आप अपना जो पुराना आपने बायबैक रेगुलेशन पढ़ा था उसको छोड़ के डायरेक्टली ये भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा समय नहीं दिया होगा तो जो भी नोट्स को दे दे हमारे सारे नोट्स मिलते हैं रेगुलरली आप जाएंगे तो इम्पोर्टेंट ड्राइव लिंक पे सारे नोट्स मिलते हैं उन्हीं सारे नोट्स के अंदर आपको ये वाले नोट्स भी मिल जाएंगे तो आप हम जाएंगे तो मस्ती से आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे जो भी मैंने लिखा है आप मस्ती में ये नोट्स यूज करो को बहुत जबरदस्त तरीके से देखो एंड आई होप आपका रेगुलेशन की जो भी चिंता है वो सब खत्म हो जाएगी आज का लेक्चर शुरू किया जाए और राज का टारगेट सबसे पहले हमारा बाय बैक रेगुलेशन का रहेगा जब तक क्विक रिवीजन आपके साथ में आपका कोई परेशान आपको नहीं कर सकता है जहां परेशानी थोड़ी सी भी आसपास घूमे क्विक रिवीजन देख लो गेट दैट कॉन्फिडेंस इन दैट चैप्टर वापस आप उस लेवल पे आ जाते हो फिर मेहनत करके आप चैप्टर को फाइनलाइज कर सकते हो तो आज का टारगेट है बाय बैक रेगुलेशन का एक आउटस्टैंडिंग रिविजन करना बायबैक रेगुलेशन एक ऐसा रेगुलेशन है जो कि रिसेंटली अमेंड हुआ है और जो भी रेगुलेशन रिसेंटली अमेंड होता है उसकी इंपॉर्टेंस कंपेरेटिवली बढ़ जाती है और उसी के कारण बायबैक रेगुलेशन अभी अपकमिंग अटेम्प्ट्स के अंदर एक हॉट टॉपिक बना रहने की है रखता है रेगुलेशन को बायबैक चैप्टर तो के अंदर कंटेंट कैसे रखा है उसको मैं देखूं बायबैक ऑफ सिक्योरिटी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बायबैक आ जाएगा उसके बाद में आ जाएगा प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट में एप्लीकेबल प्रोविजन कौन से होते हैं उसके बाद में सोर्सेज ऑफ बायबैक वो तीन सोर्सेज उसके बाद में लिमिट्स ऑफ बायबैक के बारे में बात करेंगे उसके बाद में कंडीशन ऑफ बायबैक के बारे में दिया जाता है फिर आता है सेबी Of securities regulation 2018, उसके अंदर दे रखा है वापस वो तो रेगुलेशन खुद ही है सोर्सेज ऑफ बायक वही तीन सोर्स है लिमिट्स ऑफ बायबैक सिमिलर लिमिट्स हैं बस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है उसके अंदर उसके बाद कंडीशन ऑफ बाय सिमिलर है इस प्रकार के कुछ टॉपिक सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायबैक के चैप्टर में ये सब इजी है इसको सबसे पहले कंठस्थ हमें करना होता है फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं फिर आता है बायबैक का प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस बायबैक का दिया जाता है तकरीबन स्टेप्स के अंदर फिर आता है मेथड्स ऑफ बायबैक बायबैक इन तीन मेथड से आप कर सकते हैं बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एंड बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग अगर मैं इसको एक्चुअली बताऊं तो ये इस प्रकार के मेथड्स हैं मेथड्स ऑफ बायबैक में दो होता है बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर एंड बायबैक थ्रू ओपन मार्केट और ओपन मार्केट में दो होते हैं कि बायबैक आप कर सकते हैं फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज और बुक बिल्डिंग बट इफेक्टिवली समझने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बायबैक में तीन प्रकार के प्रोसीजर पढ़ना है बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर बायबैक थ्रू ओपन मार्केट बाय स्टॉक एक्सचेंज बायबैक थ्रू ओपन मार्केट बाय बुक बिल्डिंग जैसे तीन प्रोसेस इवेंचुअली बन जाते हैं हमें कुछ भी नहीं करना है हमें तीनों प्रोसेस के ऊपर 100% कंठस्थ कंफर्ट लेवल चाहिए अगर ये हो जाता है तो बायबैक रेगुलेशन एकदम ईजी हो जाएगी चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट अब ऑफ बाय बायक करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ कंपनी बाय बैक का डिसीजन ले सकती है कुछ होते हैं थियोरटिकल कुछ होते हैं प्रैक्टिकल कुछ होते हैं एकदम ही कैजुअल तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था सबसे पहले आ जाते हैं हमारे टू स्ट्रेटेजिकली इंक्रीज प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग कि अगर एक कंपनी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग को बढ़ाना चाहती है तो वो बाय बैक कर सकती है तो बाय बैक करने का एक रीजन हो जाएगा टू स्ट्रेटेजिकली इंक्रीज प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग

अगर मान लीजिए बाय करेंगे तो बुक्स के अंदर क्या होगा प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ेगा नॉर्मली स्टेक कंसोलिडेट होगा कम लोगों के पास में ज्यादा स्टेक आ जाएगा उसके बाद जो हमारा ईपीएस बढ़ेगा उसके अलावा भी बहुत चीज़ें बढ़ेगी रिटर्न ऑन नेटवर्क बढ़ेगा रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ेगा लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ेगी ये सब बुक के पॉइंट्स फिर आते हैं दो पॉइंट्स जो कि तीन पॉइंट्स एकदम थियोटिकल हैं जो बोलने में अच्छे लगते हैं एक टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर कि हमारे पास कैश वी वांट टू टू रिटर्न सरप्लस कैश शेयर होल्डर उसके बाद में टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे पहुंचना है वन कहा जाता है है उस तक पहुंचने के लिए हम बैक कर सकते हैं उसके बाद में आता टू सर्विस द इक्विटी मोर एफिशिएंटली हम हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को और बेहतर सर्विस देना चाहते हैं इफिशियंटली रिटर्न देना चाहते हैं एफिशिएंट सर्विस करना चाहते हैं तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर कम हो गए तो हम बेहतर सर्विस दे पाएंगे ये हो गए पॉइंट्स जो बोलने में अच्छे लगते हैं एकदम एस्थेटिक पॉइंट्स फिर आ जाते हैं वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट रियल लाइफ में जो होगा मार्केट रिलेटेड पहला टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बेड यहां पर हमने ट्री का एग्जाम्पल भी देखा था कि कोई लार्सन डूबर उनको टेक ओवर करने के लिए आ रहे हैं तो उस टेक ओवर से बचने के लिए वो बाय बैक करने की कोशिश कर रहे हैं सो टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर उसके बाद में आता है टू तो सपोर्ट शेयर प्राइस ज्यूरिंग स्लगिश मार्केट अगर मार्केट एकदम स्लगिश है वहां पे हम शेयर प्राइस का फॉल को प्रिवेंट करना चाहते हैं या सपोर्ट करना चाहते हैं शेयर प्राइस को तभी हम बाय बैक कर सकते हैं तो अगर मार्केट गिर रहा है हमने बाय बैक एट हायर प्राइस पर दिया तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा और लास्ट पॉइंट टू तो प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट हम हमारे शेयर होल्डर्स को एक एग्जिट रूट देना चाहते हैं एडिशनल इफ वी नो दैट द शेयर आर थिनली ट्रेडेड एंड दे आर अंडर वैल्यूड थिनली ट्रेडेड बहुत ही थोड़े बहुत शेयर से ट्रेड हो रहे हैं और अंडर वैल्यूड है तो एक बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं अच्छे से अगर देखते हैं तो कितने हो गए ऑब्जेक्टिव इजी तरीके से देखो कितने याद हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले बुक बुकेश रिलेटेड चार पॉइंट्स टू कंसॉलिडेट प्रमोटर्स होल्डिंग टू कंसॉलिडेट स्टेट द कंपनी टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर टू इंक्रीज रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न ऑन नेटवर्थ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू वैल्यूजी फिर तीन पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि एस्थेटिकली बोलने में अच्छे लगते हैं टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स एंड एक और पॉइंट है टू सर्विस द इक्विटी मोर इफिशियंटली ठीक है साहब फिर वापस तीन पॉइंट आते हैं एकदम मार्केट रिलेटेड जो रियल लाइफ में हो सकता है वी कैन गो फॉर बाय बैक टू प्रिवेंट एन अनवेलकम्ड टेक ओवर कि कोई टेक ओवर हो सकता है हमारा उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कर सकते हैं या फिर हमारा स्लगिश मार्केट के अंदर हमारे शेयर प्राइस को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं और लास्ट पॉइंट आता है इफ द आर थिनली ट्रेडेड अंडर वैल्यूड तो वहां पर सकते हैं ये जनरल टॉपिक है ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बायक इसके बाद में हमारा चैप्टर एक्चुअली शुरू होता है और हमारा चैप्टर आती बात करता है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट के एप्लीकेबल प्रोविजन क्या है सेक्शन 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 नंबर 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 68 section 69 section 70 ऑफ कंपनीज एक्ट रूल सेवनटीन ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल टू थाउजेंड फोर्टीन रूल सेवन ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल टू थाउजेंड एंड फोर्टीन ये एप्लीकेबल प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट ईजी फिर आता है हमारा सोर्सेज ऑफ बायबैक बायबैक के तीन सोर्सेज है काफी आसान है बोलो फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रोसीज ऑफ फ्रेश इश्यू ये हो गया सोर्स ऑफ बायबैक लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे वहां पे हम लोग कि कभी भी अगर हम कोई भी शेयर को इशू करके उस प्रोसीज से बायबैक करना चाह रहे हैं इट नॉट बी शेयर ऑफ द सेम काइंड सेम काइंड के शेयर्स का इशू करके पैसा लेके सेम टाइप के शेयर्स का बायबैक नहीं कर सकते सोर्सेज इजी है फिर लिमिट्स ऑफ बायबैक इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग पूरी क्लास का फोकस यहाँ पे लिमिट्स ऑफ बायबैक अच्छे से पढ़ना ये केयरफुल ये भी आप ऐसा समझ लो एकदम नया नया कंसेप्ट है इसी प्रकार से हमको पढ़ के जाने ताकि हम हर प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल कर पाए मैक्सिमम अमाउंट दट कन भी यूज फॉर बाय अगर हम बायक करें टोटल पैसा कितना यूज कर सकते हैं दैट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्रीजर्स अप कैपिटल फ्रीजर्स ये मैक्सम कैन बी यूज फिर आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉड बैक फॉर इक्विटी शेयर द लिमिट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल दिस इज द मैक्म नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दट यू कैन बाय बैक सर वॉट इफ यू आर बाइंग बैक प्रीफरेंस शेयर उस केस में आपका जो अमाउंट वाला लिमिट तो कम आएगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रीजर्स इतना अमाउंट आप यूज कर सकते हो बाय बैक के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर के लिए कोई लिमिट नहीं है प्रेफेंस के लिए आप एक ही साल में पूरा प्रिफरेंस भी बाय बैक कर सकते हो

सर लेकिन बाय बैक इक्विटी शेयर्स का हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉड बैक फॉर इक्विटी शेयर इट इज 25 परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सर बट व्हाट इफ वी आर अक्वाइरिंग व्हाट इफ वी आर बाइंग बैक प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर के लिए मैक्सिमम अमाउंट वाली लिमिट तो आएगी बट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर वाली कोई लिमिट नहीं आएगी तो मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन यूज टू बाय प्रेफरेंस शेयर वुड बी ट्वेंटी फ्रीजर्स बट यू कैन ईवन बाय बैक दर प्रेफरें पर्टिकुलर ईयर बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी उसपे एक और लिमिट आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स की कि एक साल में आप टोटल इक्विटी शेयर्स के 25% कोई बायबैक कर सकते हैं आर यू गुड हियर ये हो गया मैक्सिमम बायबैक का लिमिट फिर दूसरी चीज हमें पढ़नी होती है कि बायबैक अगर कभी भी हम कर रहे हैं तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है या स्पेशल बताओ डिपेंड करता है सर इफ द बायबैक इज अप टू 10% ऑफ

उंट कैन बीज फॉर ट्वेंटी शेयर कैप्टल फिर यू कैन डू इट बाई बोर्ड रेज्यूशन इफ यूर बाइंग बैक मोर देन टन परसेंट इक्विटी फ्रीजर्स यू कैन डूट बाई स्पेशल रेजोल्यूशन अब रुको देखो यहां पर ट्वेंटी फाइव की जगह क्या है 10 of गलती समझ में आई अपू टेन परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रीजर्स अगर आप बायबैक कर रहे हैं अपटू टेन परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाई बायबैक कर रहे हैं तो होगा बाय बोर्ड रेजोल्यूशन लेकिन अगर देख टेन परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटीज बायबैक कर रहे हैं तो होगा बाय स्पेशल रेजोल्यूशन आर वी अंडरस्टैंड चलो उसके बाद में आता है एक और पॉइंट बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट ऑफ डेट इक्विटी रेशियो कंपनी कहता है कि जब भी आप बायबैक कर रहे हैं पोस्ट बायबैक योर एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड शुड नॉट बी मोर देन शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व ये कहता है कि आपका सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट कंबाइन करते हुए एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट शुड नॉट बी मोर देन टाइस ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनिक्योर डेट शुड नॉट बोर देन ट्वाइस ऑफ पेडअप कैपिटल फ्री रिजर्व पोस्ट बाय बैट और कंपनी साइड में फिर आते हैं कॉमन कंडीशन जैसे कि एड ऑथोराइज उसके बाद में शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप फिर वन ईयर की दो कंडीशन आती है कि जब भी आप बायबैक कर रहे हो आपको देखना है पिछले एक साल में आपका कोई भी बायबैक नहीं हुआ है तो जो आपका लास्ट बायबैक पीरियड खत्म हुआ एंड हुआ है वहां से एक साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते वन ईयर की एक और कंडीशन आती है कि जब भी आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसके वन ईयर के अंदर आपको बायबैक कंप्लीट कर देना है ये कुछ बेसिक कंडीशन गए उसके बाद में आता है एडिशनल कंडीशन फिर प्रोहिबिशन फॉर बायबैक ये बाय एक्ट में भी है और सिक्योरिटीज लॉ में भी है दैट अ कंपनी शेल नॉट

उसके अंदर भी सोर्सेस क्या होंगे सोर्सेस यही फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रोसीज फ्रेश इशू सेम रिक्वायरमेंट कि अगर आप कभी भी प्रोसीज ऑफ फ्रेश इशू से बाय कर रहे हैं तो आप सेम प्रकार की सिक्योरिटी इशू करके बाय बैक नहीं कर सकते फिर आता मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी मैक्सिमम लिमिट फॉर बाय बैक पहला लिमिट मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज फॉर बाय बैक ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ कैपिटल एंड फ्री रिजर्व मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर बॉट बैक परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इतने आप शेयर एक साल में बाय बैक कर सकते हो ठीक है सर उसके बाद में यहां पर भी कंडीशन आएगी डेट इक्विटी की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है कहने का मतलब सब कुछ सेम है फोकस करना रेशियो ऑफ एग्रीगेट एंड एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट शुड नॉट बी मोर देन या फिर शुड बी लेस देन और इक्वल टू टू इज टू वन ये क्या कह रहे हैं द रेशियो ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट टू पेड अप अपन फ्रीजर्व इसका रेशियो विद कंपेयर टू दिस शुड बी इक्वल टू और लेस देन टू इज टू वन बात वही है आप सेम लैंग्वेज लिख सकते हो आपको जैसे लिखना है मीनिंग ये होना चाहिए दैट दी एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व दोनों का मतलब सेम होता है यहां पे सर हम डेट वगैरह कैसे लेंगे स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड व्हिच एवर इज लोअर जो भी लोअर है वो आप लेंगे ऐसा उन्होंने सिक्योरिटीज लॉ में लिख के दिया है ऐसा कुछ भी ज्यादा कंप्ति में लिखा नहीं है तो कंपनी में सिंपल रखा थोड़ा सा पढ़ रहे नॉर्मल कंपनीज के लिए डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी लेस टू टू वन आपका एग्रीगेट ऑफ डेट सिक्योर्ड एंड सिक्योर मिला के शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस ऑफ पेड अपन फ्री रिजर्व बट इफ एट ऑल योर कंपनी बैंक्स एक्सक्लूड तो करके इनको एक्सक्लूड करके उनको छोड़ दो और उसके तो वो बहुत ही अलग हो गया हमने जो डिस्कस किया था क्लास के अंदर अब हम अगर नॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो सिक्योरिटी उसके बाद नेक्स्ट आया टॉपिक कॉमन कंडीशन चारो सेम एड ऑथराइज शेयर शुड बी फुली बेडा ईयर की दोनों कंडीशन की जब भी आप बाय कर रहे पिछले एक साल में आपका कोई बाय बैक नहीं होना चाहिए और एक और कंडीशन आ जाएगी कि जब भी आपने रिजोल्यूशन पास किया उसके एक साल में कंप्लीट होना चाहिए फिर एक छोटा सा कंडीशन एक्स्ट्रा अब शुड ने, नेवर बी फॉर डीलिस्टिंग फॉर सिक्योरिटी और थ्रू अ नेगोशिएटेड डील्स और उसके बाद वापस सेम चीज की बायबैक आप कभी भी नहीं कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी थ्रू सब्सिडी कंपनी और वेन यू हैव डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिपॉजिट डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर और लोन और ये चार्ट बहुत ईजी तरीके से आपके बायबैक के इंपॉर्टेंट चीजों को एक साथ में ले आता है एक साथ में ले आता है अगर ये चार्ट हो जाता है तो बायबैक का एक सब्सटेंशियल चंक जो है बहुत इजीली कवर हो जाता है। इजन दिस वेरी इजी सुपर चलो दिस मेक्स मी सो हैप्पी। बस ऐसे हैप्पी दिवाली इधर पे ध्यान दो बायबैक ऑफ अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो हमें क्या हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक समझ में आ रहे बायबैक तो के ओवरऑल हो क्या होंगे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़ेगा रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ेगा लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू भी बढ़ेगा ये चार पॉइंट ऐसे हो गए फिर तीन पॉइंट एस्थेटिक पॉइंट बोलने में बड़ा अच्छा लगता है डेट इक्विटी रेशियो हमारा शेयर कैपिटल ऑप्टिमम करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा है बहुत गिर रहा है सर तो टू रिटर्न सरप्लस शेयर टू सरप्लस कैपिटल सरप्लस मनी टू शेयर होल्डर उसके बाद में एक और पॉइंट है टू सर्विस इक्विटी इफिशियंटली ठीक है सर फिर तीन एकदम मार्केट रिलेटेड पॉइंट्स रखे एक अगर वी वांट टू अनवेलकम द टेक ओवर बिट्स टू सपोर्ट द शेयर प्राइस इन स्लगिश मार्केट और टू गिव एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर्स व्हेन द शेयर्स आर थिनली थे अंडर वैल्यू

अनसिक्योर्ड शुड नॉट बी मोर देन टाइस ऑफ इक्विटी अगर इक्विटी दस करोड़ की है, तो डेट बीस करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए ऐसा ठीक है एंड सेम गोज फॉर लिस्टेड कंपनी ऑल्सो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लिखिए मतलब सेम है आप लिख सकते हो एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड शुड नॉट बी मोर देन टाइस ऑफ पेडअप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऐसा बस उसमें आगे लिख दो के ब्रैकेट में कंसोलिडेटेड और स्टैंड लोन विच एवर इज लोअर अब यहाँ पे एक और चीज में आपको बताता हूँ जो बताया कि उसके साथ ही साथ

बाय बैक थ्रू ऑर्डलॉट हैज डिलीटिंग बाय बैक थ्रू ऑडलॉट्स बाय बैक थ्रू ऑडलॉट का जो कंसेप्ट होता है तो अब बाय बैक रेगुलेशन में ऑडोलॉट बायबैक जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं है आपने पढ़ाई नहीं था कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके बाद में फेजिंग आउट बाय बैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज यहां तक कि बाय बैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको भी धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं धीरे धीरे उसको भी खत्म कर देंगे मुझे डेट बताओ किस डेट के बाद बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज होगा ही नहीं 31 मार्च 2025 तक चल रहा है फर्स्ट अप्रैल 2025 से वो हो जाएगा बंद सही है चलो वो वो कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं ऐसे नॉलेज एक लिमिट है जो हमने पढ़ी थी मैक्सिमम 15 परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रीजर्स कैन बी बॉड बैक फ्रॉम ओपन मार्केट ओपन मार्केट से मैक्सिमम बाई बैक कितना हो सकता है 15 परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रीजर्स का सही बात है अभी ओपन मार्केट में दो ऑप्शन होते हैं ना या तो आप कर सकते हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज या फिर थ्रू बुक बिल्डिंग तो बुक बिल्डिंग या स्टॉक एक्सचेंज से दो ऑप्शन है तो ओपन मार्केट से आप मैक्सिमम बाय कर सकते हो फिफ्टीन का अब सरकार को सेबी को धीरे धीरे स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट ऑप्शन खत्म करना था तो उन्होंने क्या बोला पोस्ट अमेंडमेंट्स नाउ द मैक्सिमम लिमिट फॉर बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज ओपन मार्केट का पहले भी बंद रहा था अमेंडमेंट के पहले अमेंडमेंट के बाद भी बंद रहा है ओपन मार्केट से पहले भी आप फिफ्टीन परसेंट बैक कर सकते थे लगा हैं कि जो भी बाईब हो रहे हैं टिल मार्च टू स्टॉक एक्सचेंज से कर सकते थे लेकिन जो बायबैक होंगे उसके बाद लेकिन अपटिल मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर उसके अंदर टेन परसेंट अभी भी आप स्टॉक एक्सचेंज से कर सकते हो मतलब ओपन मार्केट का टोटल लिमिट फिफ्टीन है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज वाला लिमिट कर दिया टेन

एक तो एक्सटिंग के टाइम पे फिजिकली प्रेजेंट रहना था वहां पे भी की जगह हो गया है, सेक्रेटरियल, और दूसरा कहां पर हो चुका है एंड में जो सर्टिफिकेट देना था वो सर्टिफिकेट भी पहले देता था अब देता है सेक्रेटरियल एकदम तो ये कुछ हाईलाइट ऑफ दी अमेंडमेंट है ताकि ध्यान रहे और अब हमारे चैप्टर का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि बायबैक करने के तीन मेथड है आते हैं यहां पर ध्यान से पहले बायबैक करने के हेड भी तीन हुआ करते थे जिसको हम कहते हैं, दूसरा होता था बायबैक फ्रॉम बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट बाई बॉट अब हट चुका है है बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट दो टाइप के होते हैं बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज बायबैक फ्रॉम बुक बिल्डिंग धीरे धीरे बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज को भी क्या कर देंगे बंद कर देंगे तो इन अ फ्यू इस क्या हो जाएगा बाय बैक दो तरीके से हो सकता है बाय बैक फ्रॉम टेंडर ऑफर एंड बाय बैक फ्रॉम बुक बिल्डिंग क्योंकि ये दोनों कितने जेन्यन है इसमें हम सारे शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकते हो तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं तो इन अ फ्यू इयर्स सिर्फ ये दोनों ही बचेंगे अब हमें इन तीनों का पूरा प्रोसीजर अच्छे से कंटस्ट हो जाएगा तो आएगा मजा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग विद बाय बैक थ्रू टेंडर ऑफर टू टेंडर ऑफर की अगर मैं बात करता हूं तो उसका पूरा प्रोसीजर है बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस हुए हम सीधा अमेंडेड पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा विल हैव टू है अप्रूवल अप्रूवल ले लिया अप्रूवल कैन बी बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन एज द केस में भी अप टू टेन परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फ्रीजर्स हुआ तो बोर्ड उससे ज्यादा हुआ तो स्पेशल अप्रूवल के विद इन टू वर्किंग डेज द कंपनी विल हैव टू गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट इन इंग्लिश न्यूज पेपर हिंदी न्यूज पेपर एंड रीजनल न्यूज पेपर

कि सबसे पहले तो, द अप्रूवल अप्रूवल ले लिया ले, अप्रूवल लेने के, के दर, की जो कॉपी है अपलोड कर देना है कंपनी मर्चेंट बैंकर एंड स्टॉक एक्सचेंज यहां पे सब जगह अपलोड हो जाएगा ओके उसके बाद में आपने ध्यान रखना है पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर होगा आपका रिकॉर्ड डेट रिकॉर्ड डेट हम एक डेट देते हैं जिस भी व्यक्ति के पास उस रिकॉर्ड के दिन इक्विटी शेयर होते हैं द पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन बायक सिंपल

और यही लेटर ऑफ ऑफर हम शिरोडस को भी दे रहे हैं रिकॉर्ड डेट से टू डेज के अंदर हमने लेटर ऑफ ऑफर दे दिया है, शिरोडर को लेटर ऑफ ऑफर दे दिया है, को रिकॉर्ड डेट से फोर डेज के अंदर क्या हो जाना चाहिए एस्क्रो अकाउंट अकाउंट चलो गर्मा गर्म पड़ा था हमने मुझे बताओ ये भी अमेंडेड है एस्क्रो अकाउंट के अंदर क्या क्या डिपॉजिट किया जा सकता है एस्क्रो अकाउंट के अंदर कैश बैंक डिपॉजिट्स बैंक गारंटी कैश के अंदर ही बैंक डिपॉजिट भी था ना कैश बैंक इक्विटी शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होना चाहिए उसके बाद में यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं और इनका किसी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कितना भारी टॉपिक है ठीक है एस्क्रो में पूरा पैसा जमा कराना है मुझे बताओ टेंडर ऑफर जब हो रहा है तो एस्क्रो में हमें पैसा जमा कराना है एस्टिमेटेड कंसिडरेशन का कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं बोल हाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट अपटू हंड्रेड करोड टेन परसेंट ऑन द बैलेंस अमाउंट जो भी आपका है उसके फर्स्ट हंड्रेड करोड़ पे आपको जमा कराना है ट्वेंटी और बैलेंस पे कराना है टेन परसेंट ठीक है सर ये सब हो जाएगा इशू ओपन होगा पहले दस दिन कामेंट हो गया कितना जैसे इशू क्लोज होगा इमीडिएटली आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है और उसमें पैसा जमा कराना है सुनना अच्छे से एसक्रो में जो पैसा था उसका कितना कंसिडर करोगे 90% 90% एस्टिमेटेड mm -hmm. तो था 100 करोड़ e, आपके एस्क्रो में आ गया 25 करोड़ तो एस्क्रो में 25 करोड़ तो है लेकिन 25 करोड़ का आप कितना कंसीडर करोगे 90 परसेंट ट्वेंटी फाइव का 90 परसेंट कंसिडर करोगे वो कितना आ जाएगा 25 करोड़ का 90 परसेंट <laughs> 22.5 22.5 करोड़, सेपरेट बैंक अकाउंट में क्यों रखा जाता है एज ए सिक्योरिटी अगर कुछ भी गलत करते हो आप तो स्टॉक एक्सचेंज आपका से भी आपका यह पैसा क्या कर लेगा फोरफीट कर लेगा तो ये में आपको रखना होता है जब आपकी सारी अपन कंप्लीट हो जाती है तब यह पैसा आप एस्क्रो से रिलीज करा सकते हो चल उपन हुआ इश्यू क्लोज हुआ इश्यू क्लोज होने के बाद इश्यू क्लोज होने के विदिन फाइव वर्किंग डेज यू टू डू वेरिफिकेशन एंड पेमेंट और वेरिफिकेशन एंड पेमेंट हो गया उसके विदिन फिफ्टीन डेज यह अकेली ऐसी जगह है जहां पर वर्किंग नहीं लिखा है विद इन फिफ्टीन डेज यूव टू फिजिकली एक्सटिंग्विश फिजिकली एक्सटिंग्विश जब भी करें इटव इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार और मर्चेंट बैंकर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरियल

चलो एक बार देखते हैं बिना देखे बोलते हैं सबसे पहले अप्रूवल तो अप्रूवल के विद इन टू वर्किंग डेज पब्लिक अनाउंसमेंट पब्लिक अनाउंसमेंट में में दे 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 दिया 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 इंग्लिश हिंदी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज सभी को भी भी वेबसाइट उसके बाद रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करनी है कोई टाइम पीरियड नहीं है रिकॉर्ड डेट जिस दिन भी रही रिकॉर्ड डेट के दो दिन के अंदर रिकॉर्ड डेट के दो दिन के अंदर लेटर ऑफ ऑफर देना है शेयर होल्डर को और सेबी को रिकॉर्ड डेट के चार दिन के अंदर इशू ओपन हो जाएगा इशू ओपन होने के पहले होगा एसक्रो इशू ओपन रहेगा फॉर फाइव वर्किंग डेज इशू क्लोज होने की इमीडिएटली बात होगा सेपरेट बैंक अकाउंट और इशू क्लोज होने के फाइव डेज के, के अंदर वेरिफिकेशन एंड पेमेंट फाइव वर्किंग डेज के अंदर और फिफ्टीन डेज के अंदर एक्सटिंग्विशमेंट और जब ये एक्सटिंग्विशमेंट भी हो गया उसके सेवन डेज के अंदर यू टू गिव अ सर्टिफिकेट दैट ऑल द देंट हैव बीन डन आर वी स्टैंड इतना कठिन तो है ही नहीं बस लगता है कठिन कितना भारी कंसेप्ट है चलो नहीं आपको जीने नहीं दूंगा मैं अब आता है आपको परेशान करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज को हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ा था कि उसके ओवरव्यू में मैंने ऐसे लिखा है स्टॉक एक्सचेंज हम पढ़ेंगे तो उसका प्रोसीजर और अदर प्रोविजन भी पढ़ना पड़ेगा तो नॉर्मली टेंडर ऑफर में हमने सिर्फ प्रोसीजर पढ़ लिया है तो वो भी काफी है उसमें अदर प्रोविजंस कवर हो जाते हैं बुक बिल्डिंग में आपने प्रोसीजर पढ़ लिया है उसमें अदर प्रोविजंस कवर हो जाते हैं लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के आपको अदर प्रोविजन सेपरेटली पढ़ना पड़ता है तो सबसे पहले आते हैं स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसीजर पर स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज ये रहा तो स्टॉक एक्सचेंज पहले प्रोसीजर आता है प्रोसीजर में वापस अप्रूवल ले लिया बोर्ड रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन उसके दो दिन के अंदर कंपनी ने पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया इंग्लिश हिंदी रीजनल पब्लिक अनाउंसमेंट का कॉपी दे दिया स्टॉक एक्सचेंज सभी को और उसका एक कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया मर्चेंट बैंक स्टॉक एक्सचेंज यहां तक तो कॉपी पेस्ट है ना अरे एग्जाम में आंखें बंद करके लिख देना आर यू अंडरस्टैंडिंग दो हजार सोलह की बात है आई एल एस फर्स्ट सेमेस्टर आई थिंक सेमेस्टर अ फ्रेंड ऑफ माइंड सो हाउ इज़ इट यूज टू वर्क आप भी बी कॉम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड आते हैं तो तब ऐसा था कि लॉ का पेपर था और ऐसा पता लग रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड ही आते हैं मतलब आते ही आते हैं तो तब एक सब्जेक्ट था हिस्ट्री उसमें 1957 के रिवोल्ट पे क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता था आता ही आता था मेरा एक मित्र था वो गया जैसी आंसर शीट मिली उसने क्या किया उसने आंसर शीट मिलते ही रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखना शुरू कर दिया क्वेश्चन पेपर मिला नहीं अभी आंसर शीट पहले मिलती थी उसमें सारी डिटेल्स फिल इन कर लो डिटेल्स फिल इन कर लिए उसके बाद में क्वेश्चन पेपर एक्जैक्टली तीन घंटे के टाइम पे देते दे थे थ्री आर के लिए क्वेश्चन पेपर इसमें बहुत सारी पहले लिखना होता था ना के पूरा था पूरा सब कुछ वो सब करके सब लोग बैठे क्वेश्चन पेपर वेट कर रहे हैं इसने लिखना शुरू कर दिया तकरीबन तकरीबन एक पेज का रिवल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन इसने लिख दिया बट कभी कभी हमारी किस्मत <laughs> चार पांच अटैम्प्ट के बाद वो पहला अटैम्प्ट था <laughs> तो आप ऐसा भी मत करना कि एग्जाम देख दिया आपने चालू कर देगा सर ने बोला था बैक पे क्वेश्चन आएगा जाएगा प्रोसीजर लिखना शुरू कर देते हैं कि बोर्ड अप्रूवल होगा बोर्ड अप्रूवल के दो दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट देना है क्योंकि कोई भी टॉपिक तो है ना अप्रूवल लेना है देना है इंग्लिश हिंदी रीजनल उसके बाद में आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना है सभी स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज को देना है ऑन द वेबसाइट ऑफ मर्चेंट बैंकर कंपनी एंड स्टॉक यहां तक तो सेम है पर संभालो अपने आपको इसके बाद में थोड़ा चेंज हो जाता है यहां पे स्टॉक एक्सचेंज पे वो पहले से रेडी होना चाहते हैं कि आपके पैसा है कि नहीं है तो स्टॉक एक्सचेंज में वो कहते हैं कि जब आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया उसके दो दिन के अंदर आपको एस्क्रो में पैसा जमा कराना है मुझे बताओ स्टॉक एक्सचेंज पे एस्क्रो में कितना पैसा जमा कराना होता है फ्लैट ट्वेंटी फाइव परसेंट जो भी एस्टिमेटेड पेबल है उसका ट्वेंटी फाइव

कि सिक्स मंथ्स के अंदर आप बायबैक कर सकते हैं अब उन्होंने कैसा कहा है जो बायबैक मार्च ट्वेंटी के पहले शुरू हो गए तो मिलेगा जो उसके बाद में हुए फर्स्ट अप्रैल टू थाउंड ट्वेंटी थ्री थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर उनको मिलेगा कितने दिन सिक्सटी सिक्स डेज उसके बाद में वन ईयर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर से थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी मिलेंगे उसके बाद फर्स्ट अप्रैल टू थाउंडी फाइव से बंद हो जाएगा तो यहां पे कितना समय मिलेगा यहां पे आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मिलेगा जो कि अभी थोड़े समय पहले मंथ्स था, था अभी सिक्स है और नेक्स्ट ईयर वो 22 हो जाएगा एज स्टूडेंट यू डोंट हैव टू वरी यू टू जस्ट राइट हियर स्पेसिफाइड टाइम तो मैक्सिमम टाइम स्पेसिफाइड तक इशू ओपन रहेगा फिर बायबैक ऑफर क्लोज हो जाएगा मुझे बताओ इसमें बायबैक ऑफर क्लोज होने के बाद में हम करेंगे क्या वेरिफिकेशन फिजिकल एक्सटिंग्विशमेंट नहीं

स्टॉक एक्सचेंज पर अगर बायबैक करें तुरंत पे आउट हो रहा है लोगों को इमीडिएटली पैसा मिल जाता है तो पे आउट जब भी हो रहा है उसके फिफ्टीन डेज के अंदर आप करेंगे वर्किंग डेज में वेरिफिकेशन और फिजिकली एक्सटिंग्विश करेंगे जो भी सिक्योरिटीज बायक हो रही है एक पर्टिकुलर मंथ में अगले मंथ के फिफ्टीन तक उसको कर देंगे हम फिजिकली एक्सटिंग्विश और जिस दिन बायबैक पूरा कंप्लीट हो जाता है उस दिन नेक्स्ट सेवन डेज के अंदर सारी सिक्योरिटीज को फिजिकली एक्सटिंग्विश कर देंगे पहले ये अच्छे से समझ में आएगा तो हम अदर प्रोविजन फॉर बायबै पे जाएंगे

फोर वर्किंग डेज में बायबैक स्टार्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पे वो मैक्सिमम पीरियड जो भी प्रिस्क्राइब होगा लॉ में तब तक ओपन रहेगा उसके बाद वो हो जाएगा क्लोज ड्यूरिंग द में पीरियड जैसे जैसे सिक्योरिटीज का पे आउट हो रहा है उसके विद इन फिफ्टीन वर्किंग डेज आपको करना है वेरिफिकेशन और उसके साथ ही साथ हो रहा है फिजिकल एक्सटिंग्विशमेंट जो भी सिक्योरिटीज एक मंथ के अंदर बायबैक हो रही है उसको नेक्स्ट मंथ के फिफ्टीन तक आप कर देंगे फिजिकली एक्सटिंग्विश कितना आसान है कितना आसान है ओवर

के टाइम पे आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हैं तो आपको लेटर ऑफ ऑफर ये सब फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है स्टॉक एक्सचेंज को डेली इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक एक्सचेंज डेली इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर्स बॉट बैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज हैज हैज टू 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 बी बी गिवन स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एंड एंड इट डेली ऑन वेबसाइट कंपनीज वेबसाइट और सेपरेट विंडो ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर बाय कुछ बेसिक प्रोविजन होगा एकदम आराम से एक बार वापस देखते हैं कभी भी अगर हम बायक कर रहे हैं ज तो किन चीजों का ध्यान रखना है? कभी भी अगर हम बाय करें फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज तो हम ध्यान रखेंगे कि कम से कम एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द अमाउंट ईयर मार्ग शुड भी यूटिलाइज दूसरा एटलीस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द अमाउंट ईयर मार्ग है फोर्टी परसेंट यूटिलाइज विद इन इनिशियल हाफ ठीक है साहब उसके बाद में बायबैक होगा ओनली फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज हैविंग हाँ नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल सिर्फ उन शेयर्स का बायबैक हो सकता है जो चार फ्रीक्वेंटली रेड प्रमोटर के शेयर्स पर्सन इन कंट्रोल के शेयर्स को बायबैक नहीं कर सकते हैं ये होगा मेजर पॉइंट

बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले ये जो मैं बता रहा था कि बायबैक जो है बायबैक ऑफर शेल ओपन विद इन फोर वर्किंग डेज फ्रॉम द दे रिकॉर्ड डेट और क्लोज होना चाहिए ये भी एज ए स्टूडेंट आपको याद नहीं रखना है बट जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि आपका बाय का पहले पीरियड कितना था सिक्स मंथस तो सिक्स मंथस के अंदर बाय बैक क्लोज होना चाहिए था अगर बाय बैक हुआ थर्टी मार्च टू के पहले का लेकिन अगर बाय हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च टू के बाद में लेकिन थर्टी मार्च टू के पहले तो आपको सिक्स नहीं अब मिलेंगे सिर्फ सिक्सटी वर्किंग डेज

फिजिकल शेयर का अगर हम बायक करें स्टॉक एक्सचेंज से तो क्या कर सकते हैं आंसर इज यस सेपरेट विंडो बनाई गई है फिजिकल शेयर के लिए लेकिन फिजिकल शेयर के बाय के पहले उनका क्या किया जाता है वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन एंड एंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एड्रेस किया जाता है अब सर किस प्राइस पे किया जाएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर बैक ऑन द स्टॉक एक्सचेंज द एंटायर वीक पूरे वीक में स्टॉक एक्सचेंज से जो शेयर्स बाय किए गए हैं पूरे वीक में स्टॉक एक्सचेंज से जो शेयर्स बाय किए गए हैं उनका जो वॉल्यूम रेड एवरेज प्राइस है इस प्राइस पे फिजिकल शेयर्स को बाय किया जाएगा एकदम सिंपल सर फर्स्ट वीक है अभी हमारा बैक शुरू हुआ है और पहला ही हफ्ता है पहले हफ्ते में कोई फिजिकल शेयर लेकर आ गए तो अभी तक तो वॉल्यूम रेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट ही नहीं हुआ है ना हमारा कुछ भी तो उस टाइम पे जो लास्ट वीक का वॉल्यूम रेड एवरेज मार्केट प्राइस है वो ले लेंगे वॉल्यूम रेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द लास्ट वीक ले लेंगे और उसको ले लिया जाएगा

उसके लिए सेपरेट ट्रेडिंग विंडो भी है और वहां पर वेरिफिकेशन होता है ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस बिफोर द बायबैक किस प्राइस पे होता है तो जब भी आप ब्रोकर को सबमिट करें अपने शेयर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर बैक इन दर कंपनी बायबैक कर रही है स्टॉक एक्सचेंज से भी तो स्टॉक एक्सचेंज जो बायबैक हो रहा है उसके पूरे वीक का जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है उसके ऊपर बायबैक किया जाएगा ठीक है सर सर अगर पहला हफ्ता है और अभी तक कोई भी शेयर बॉडबैक हुए ही नहीं है फर्स्ट वीक ऑफ बाय है तो आप लास्ट वीक जो पिछला वीक हुआ है उसका एवरेज मार्केट प्राइस ले लेंगे और कर लेंगे चलो ये हो गया फिजिकल शेयर्स के बारे में फिर आता है एस्क्रो के बारे में एस्क्रो को लेके स्टॉक एक्सचेंज का क्या प्रोविजन है सबसे पहला तो फ्लैट ट्वेंटी फाइव परसेंट विद इन टू वर्किंग डेज फ्रॉम द पब्लिक अनाउंसमेंट फिर आता है बैंक गारंटी अगर हो रही है यहां पे एस्क्रो में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे ऑप्शन है एस्क्रो में बैंक गारंटी भी है तो बैंक गारंटी को लेकर तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है

और लास्टली इफ यू डू एनी नॉन कंप्लायंस इफ यू डू एनी नॉन कंप्लायंस देन स्टॉक एक्सचेंज देन सेबी सेन फोर फीड केसेस में सेबी से नहीं करती है पहला केस हो जाएगा इफ द वॉल्यूम एवरेज मार्केट प्राइस इज हायर देन द बाइबैक प्राइस क्या आपने बायबैक का प्राइस दिया है फाइव हंड्रेड और मार्केट प्राइस का एवरेज चल रहा है सिक्स हंड्रेड आपके बाईबैक में कोई क्यों आएगा सेकेंड

स बाय बैक फॉर बुक बिल्डिंग इट्स वेरी इजी सबसे पहले क्या अप्रूवल बोर्ड रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन उसके विद इन टू वर्किंग डेज में पब्लिक अनाउंसमेंट इंग्लिश इन दी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज से भी स्टॉक एक्सचेंज पब्लिकली डिसिमिनेट करेगी एंड तीनों के वेबसाइट पे वेरी इजी उसके विद इन सेवन वर्किंग डेज बाय बैक प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट इसके अंदर जो भी प्रोविजन टेंडर ऑफर के हैं वही अप्लाई करते हैं

कट ऑफ प्राइस कि क्या कट ऑफ प्राइस है और कौन सिलेक्टेड है जो भी कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट होगी उसके नीचे जितने भी बिड़ किया उन सबको कर लिया जाएगा एक्सेप्ट एंड एवरी विल बी पेड वॉर्ड कट ऑफ प्राइस ठीक है सर कट ऑफ प्राइस आ गया उसके विद इन फाइव वर्किंग डेज के अंदर आप क्या कर देंगे पेमेंट उसके विद इन फिफ्टीन डेज के अंदर आप कर देंगे फिजिकली एक्सचेंग्ज सबसे ईजी है वो इसलिए लगता है क्योंकि हमने टेंडर ऑफर पढ़ लिया ना और सब कुछ सेम ही तो है अगर हम देखें तो फर्स्ट टू स्टेप सेम है और लास्ट टू स्टेप सेम है सिर्फ बीच में ही तो अलग है ये वाला स्टेप सिर्फ ये वाला स्टेप अलग है बाकी मोरल तो सेम है सिर्फ ये वाला स्टेप अलग है बाकी सब कुछ सेम ही है तो सबसे पहले अप्रूवल आएगा अप्रूवल के बाद में हम कंपनी को देते हैं कंपनी पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह देती है स्टॉक एक्सचेंज सभी को देती है उसके बाद में वेबसाइट पे देती है विद इन सेवन वर्किंग डेज के अंदर हमारा बायबैक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा बिडिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा बिडिंग पीरियड रहेगा ओनली फॉर टू ट्रेडिंग डेज उसके बाद बिडिंग पीरियड क्लोज जाएगा फिर हम कट ऑफ कैलकुलेट करेंगे और कट ऑफ कैलकुलेट करने के अंदर बिडिंग क्लोज होने के पांच दिन के अंदर हम कर देते हैं पेमेंट उसके पंद्रह दिन के अंदर हम कर देते हैं फिजिकली एक्सटिंग्विशमेंट सब कुछ सेम किन के प्रेजेंस में जो टेंडर में पड़ा था प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार और मर्चेंट बैंकर एंड ऑर्डर और, ऑडिटर पहले ये था वो गया सेक्रेटरियल फिर आपको सर्टिफिकेट भी वैसे ही देना चुका है कौन देगा रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार नहीं है तो मर्चेंट बैंकर सेक्रेटरियल ऑडिटर टू हुम शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर सब कुछ सेम सब कुछ सेम हा सर खत्म हो गया क्या नहीं इधर कहने के लिए ये टॉपिक हो चुका है खत्म और ये हमने एक बार पूरे बायबैक को अच्छे से देख लिया लेकिन बायबैक एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पूरे टॉपिक को भी अगर दो बार तीन बार देखते हैं तो टॉपिक पूरा अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है और एग्जाम में बहुत भरपूर मार्क्स लेके जाएगा एक बार देखते हैं कि हम अकेले पूरे बायबैक को बोल पा रहे हैं कि बिना नोट्स को यूज करते हुए सबसे पहले हमने बायबैक को पढ़ा दो चार्ट के माध्यम से हमने कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटीज लॉ को सिक्योरिटी रखा मुझे बताओ एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट सिक्सटी एट 70 एंड रूल 17 ऑफ कंपनीज कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 थाउजेंड एंड फोर्टीन वंडरफुल और सिक्योरिटीज लॉ के अंदर सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन टू थाउजेंड एंड एटीन वंडरफुल सोर्स दोनों के अंदर सेम है फ्रीजर्व सिक्योरिटी प्रोसीजर फ्रेश इश्यू उसके बाद में नेक्स्ट मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक

सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट शुड नॉट बी मोर देन टू ऑफ पेड शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ठीक है सर सेम है बस सिक्योरिटीज़ लॉ के अंदर साथ में आ जाएगा कंसोलिडेटेड और स्टैंड लोन विच एवर इज लोअर दिया गया और साथ ही साथ इफ द कंपनी हैज बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन एक्सक्लूडिंग बैंक इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन योर डेट इक्टी रेशियो शुड नॉट बी हायर देन टू इज टू वन

डीलिस्टिंग के लिए एंड थ्रू नेगोशिएटेड डील्स नहीं कर सकते फिर आता है प्रोहिबिशन इन तीन सर्कमस्टांसिस में बायबैक अलाउड ही नहीं है आप डायरेक्टली डायरेक्टली अपने शेयर्स बाय नहीं कर सकते थ्रू सब्सिडरी कंपनी थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी और व्हेन यू हैव डिफॉल्टेड इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिपॉजिट डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर और वेरी इजी चलो तो हम यहां तक तो सर आ जाते हैं यहां तक तो हम फोड़ देंगे सर कोई टेंशन नहीं है फिर बायबैक का प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इजी हम मेथड ऑफ बाय डिफिकल्ट लगता है कोई बात नहीं इजी कर देंगे हम लोग उसमें सबसे पहले हम लोग टेंडर ऑफर और बुक बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं ताकि स्टॉक एक्सचेंज पे फोकस कर पाए टेंडर ऑफर देखते हैं कितना याद है अप्रूवल विद इन टू वर्किंग डेज पब्लिक अनाउंसमेंट उसका पूरा चार्ट ठीक है ना पब्लिक अनाउंसमेंट इंग्लिश हिंदी रीजनल पब्लिक अनाउंसमेंट सेक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज पब्लिकली डिसमिनेटेड अप एंड देन ऑन द वेबसाइट ऑफ मर्चेंट बैंक कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज इनकी वेबसाइट पर आ गया यहां तक तो सेम है फिर टेंडर ऑफर के अंदर इसके बाद में डायरेक्टली आता है रिकॉर्ड डेट रिकॉर्ड डेट के विद इन टू वर्किंग डेज आपको क्या करना है लेटर ऑफ ऑफर देना है सेबी और शेयर होल्डर को रिकॉर्ड डेट के विद इन फोर डेज वर्किंग डेज इशू ओपन कर देना है इशू ओपन रहेगा फॉर फाइव वर्किंग डेज अब इशू ओपन होने के पहले हमें जमा कराना है पैसा इन एस्क्रो अकाउंट इशू क्लोज होने के बाद इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एस्क्रो अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा एस्क्रो अकाउंट में ट्वेंटी परसेंट ऑफ एस्क्रो अलॉन्ग बैलेंस रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द टोटल अमाउंट पेएबल अब जैसे क्लोज हो गया उसके कितने दिन के अंदर वेरिफिकेशन पेमेंट थिंक गलती करना इज ओके सोचो एक ओपिनियन तो बनाओ जिस दिन इशू क्लोज हो जाएगा टेंडर ऑफर में विद इन फाइव वर्किंग डेज वेरिफिकेशन एंड पेमेंट विद इन फिफ्टीन डेज फिजिकली एक्सिंग विद इन सेवन डेज सर्टिफिकेट आर व्यू अंडर इतना डिफिकल्ट नहीं है हम आते हैं बुक बिल्डिंग के ऊपर बुक बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले अप्रूवल विद इन टू वर्किंग डेज पब्लिक अनाउंसमेंट सब जगह दे देंगे उसके विद इन सेवन वर्किंग डेज बुक बिल्डिंग प्रोसेस विल।, विल बिगिन डायरेक्टली क्टली बुक बिल्डिंग प्रोसेस विल बिगिन विद इन सेवन वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन सेवन वर्किंग डेज इट विल बिगिन इट विल रन ओनली फॉर टू ट्रेडिंग डेज इट विल क्लोज क्लोजर के के कितने दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है थिंक विद इन फाइव वर्किंग डेज वेरिफिकेशन पेमेंट विद इन फिफ्टीन डेज एक्सटिंग्विशमेंट बात खत्म और हमें लिखना विद इन सेवन वर्किंग डेज हम सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं आर वी अंडरस्टैंडिंग इतना डिफिकल्ट है ही नहीं और अगर आप इस प्रकार से पढ़ रहे हैं तो लाइफ वैसे भी इजी हो जानी है ए थ्री चार्ट के अंदर ए थ्री चार्ट के ऊपर आपने प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जिसके सब कंपैरिजन में चल रहा है तो गलती होने की संभावना ही नहीं अब आता है स्टॉक एक्सचेंज यह सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है हमारे लिए जबकि यह तो जा भी रहा है फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है सबसे पहले आते हैं हम लोग इसके प्रोसेस पे अप्रूवल बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूवल हो गया उसके विद इन टू वर्किंग डेज पब्लिक अनाउंसमेंट पब्लिक अनाउंसमेंट का पूरा पूरा चार्ट एक्सैक्टली सेम उसके विद इन टू वर्किंग डेज एस्क्रो अकाउंट ये अलग है पे वर्किंग डेज अकाउंट उसके बाद में हमने रिकॉर्ड डेट ले लिया रिकॉर्ड डेट से विद इन फोर वर्किंग डेज हाँ हाँ मुझे ध्यान दो रिकॉर्ड डेट से विद इन फोर वर्किंग डेज स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक बायबैक हो जाएगा स्टार्ट ये चलेगा फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड जो भी स्पेसिफाइड पीरियड होगा तब तक चलेगा जैसे कि थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक स्पेसिफाइड पीरियड था

Are we और जब बाय पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके सेवन डेज के अंदर सारी हो जानी चाहिए नहीं डिफिकल्ट नहीं है सही तरीके से अब आता है स्टॉक एक्सचेंज की अदर कंडीशन स्टॉक एक्सचेंज की अदर कंडीशन क्या क्या स्टॉक एक्सचेंज की अदर कंडीशन पर अगर मैं आता हूं तो बहुत सारी अदर कंडीशन है देखते हैं कितनी हमको be utilized. At least 40% of the amount earmarked for buyback has to be utilized in

फिर दो टॉपिक आते हैं जिसके अंदर खुद के पढ़ना होता है ये दो टॉपिक हो जाते हैं फिजिकल शेयर्स पे कैसे होगा और एस्क्रो अकाउंट फिजिकल शेयर्स देखो मतलब खुद से ही याद रहेगा फिजिकल शेयर्स जब बायबैक हो रहा है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज क्या फिजिकल शेयर्स जिनके पास है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं yes. येस yes. लेकिन ध्यान रखना होगा दो चीज़ों हो का इनके लिए एक सेपरेट विंडो होती है फिजिकल शेयर्स की और दूसरा इनका पहले क्या होगा वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ये वेरीफाई होगा उसी के बाद में दिया जाएगा अब उसके बाद में सर किस प्राइस पे देंगे

तीन 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 के तीन चीजें बनती हैं सर क्या मैं बताता हूं एस्क्रो के अंदर सबसे पहली चीज तो चलो उसके पहले बता देते हैं एस्क्रो स्टॉक एक्सचेंज के केस में कितना जमा मकरा है फ्लैट ट्वेंटी डिपॉजिटेड विद इन टू वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट ये स्टॉक एक्सचेंज में एकदम ही अलग है अब उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज का एस्क्रो का सबसे पहला प्रोविजन क्या आता है स्टॉक एक्सचेंज को लेकर टू द बैंक आपको करनी तो उसके तीन होना चाहिए मर्चेंट बैंक जब आपका पूरा ऑब्लिगेशन कंप्लीट होगा तभी बैंक गारंटी रिलीज की जाएगी उसके बाद में तीसरा पॉइंट बैंक गारंटी की वैलिडिटी क्या होगी टेन क्या थर्टी डेज फ्रॉम बैग और अपटिल द ऑफ ऑल द इज लेटर ठीक है उसके बाद में टू का लेके क्या रूल है उसके तीन पॉइंट

और ये ओवरव्यू से ही आप हर एक टॉपिक को बोल पा रहे हो अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग के जा रहे हो तब हम एग्जाम में फोड़ के आने की ताकत रखते हैं गुड टू थाउजेंड एंड एटीन विदेंट अमेंडमेंटी गुड चलो जबरदस्त